नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेन, जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हरियाणा चुनाव ने एक बार फिर से सभी को चौंका कर रख दिया है और हरियाणा चुनाव के जिस तरीके से पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पर हवा बनाई जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को पीछे किया जा रहा था, उस सब से जो लोग इसके पीछे थे उनके चेहरे से नकाब उतर गया। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के विश्लेषक संजय गौतम साहब हैं। और संजय गौतम साहब हमारे चैनल जनपथ में राजनीतिक संपादक हैं, बहुत अच्छे से हरियाणा और भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो राजनीतिक मामले उन पर इनकी पकड़ है। तो इन्हीं से पूछते हैं एक बार, आखिर हरियाणा में ऐसा क्या हुआ? संजय गौतम साहब, अचानक हरियाणा में ये क्या हुआ? देखिए, हरियाणा की जो जनता है वो बहुत ज्यादा समझदार है। उन्होंने भी पीछे पूरा कथित किसान आंदोलन देखा था और उन्होंने 24 फसलों के ऊपर MSP देखी और पिछले 10 शासन में भारतीय जनता पार्टी के वो सुशासन देखा जिस दौर की वो कल्पना करते थे, बिना खर्ची बिना पर्ची। आपको हजारों हजार ऐसे नौजवान मिलेंगे जो पिछले 10 वर्ष के अंदर हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी पर लगे और जिन्होंने कभी एक नया पैसा, कोई खर्चा नहीं दिया, कोई पर्ची नहीं रही। आपको शायद चुनाव में याद होगा कि एक किसान का इंटरव्यू आया था, वो कह रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये तो बहुत खराब सरकार है, तो इसमें तो नौकरी नहीं मिलती। तो एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आपको ऐसे क्यों लगता है, वहां पर तो बिना खर्ची पर्ची क्यों मिलता है? कह रहा यही तो खराबी है, हुड्डा साहब की सरकार में कहता 2 किलो जमीन बेच दो तो कम से कम नौकरी तो मिल जाती थी, ये तो सरकार मेरिट की बेस पे देती है, बिना पैसों के देती है, ये तो लालची नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार ही नहीं है, ये तो ईमानदार सरकार है। तो हमारे देश में कुछ इस तरीके के भी लोग हैं जिन्हें अपना धर्म, अपना स्वाभिमान और अपने देश से प्यार नहीं, सिर्फ अपने से प्यार है। वो इस तरीके के जो करप्शन में इन्वॉल्व है उनके लिए तो हुड्डा साहब फेवरेट थे। तो आखिर मोदी के नाम पर जो वोट पड़ा वो वोटर कौन था और कैसे ये जीत हासिल हुई मोदी को? मैंने अभी जैसे बताया कि हरियाणा की जो जनता है वो बहुत समझदार है और वो अपना राष्ट्र धर्म, लोकतांत्रिक धर्म भी समझती है हरियाणा के लगभग प्रत्येक शहर के अंदर। और हरियाणा के अंदर जो जागरूक नागरिक हैं उन सबों का ये मन था कि घर में शांति से रहना है, उन्नति की ओर जाना है, विकास की ओर जाना है, देश के साथ चलना है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना होगा। अब हरियाणा का उन्होंने इसलिए नहीं वोट दिया हुड्डा साहब को, उन्होंने अभी बगल के अंदर हमारे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में देखा किस तरह इधर राहुल गांधी ने बड़े बड़े वायदे किए और उसके बाद क्या निकला कि पेंशन के नाम पर उन्होंने गवर्नमेंट को चेंज करवाया लेकिन उनके बाद उनको सैलरी तक नहीं मिल रही है। और जिस प्रदेश के अंदर मुसलमान नाम मात्र की जगह नहीं है वहां पर खड़ा होकर हिमाचल के मुख्यमंत्री कहते हैं मैंने 98% हिंदुओं को हरा दिया। जिस प्रदेश के अंदर मुस्लिम नहीं है वहां पर 5-5 मंजिल की मस्जिद बन गई हिमाचल के अंदर, शिमला के अंदर, हिमाचल की कैपिटल के अंदर, और वहां पर कोई ये नहीं बताने को तैयार कि मंदिर किसने बनाई। मस्जिद वाले कहते हैं हमने नहीं बनाई, सरकार कहती है हमें नहीं पता किसने बनाई, कोई तो भूत बना गया, छोटा डाकू आके बना गए क्या? तो इस तरीके का जब कुशासन हिमाचल दे रहा है, कर्नाटक दे रहा है, तो हरियाणा वाले अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं क्यों मारते? बिना खर्ची पर्ची ईमानदार सरकार, किस तरीके से काम हो रहा है, सब एकदम संविधान के अनुसार क्रम अनुसार काम हो रहा है, सब लोगों को चिंता नहीं। छोटी मोटी जो कमियां रही वो खट्टर साहब के सामने रही, जो नायब साहब के सामने रही, वो अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी दूर कर देगी। ऊपर से हमारे पास मोदी जी हैं, मोदी जी वो त्रुप का इक्का है, जब सब फेल होते हैं तो मोदी जी अकेले चलते हैं। मोदी जी पिछले 23 साल से शासन कर रहे हैं, 23 साल से वो राजनीतिक जीवन है, मजा ले जो उनके ऊपर करप्शन का सीवी बोलने की हिम्मत कर सके। ऐसा सुशासन जिस व्यक्ति ने एक छुट्टी नहीं ली, 24 घंटे काम करता है, दिवाली हो या होली हो, अपने सैनिकों के साथ, अपने राष्ट्र सम्मान के साथ अपना राष्ट्र धर्म पुरता है, ऐसा हमारे पास है जो हजारों हजार साल में कोई पैदा होता है, वो मोदी भारतीय जनता पार्टी के पास है और हरियाणा की जनता ने उसकी कदर करी। इसलिए हम सब हाथ जोड़ के हरियाणा की जनता का नतमस्तक करते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं कि उन्होंने अपना राष्ट्र धर्म निभाया, भारतीय जनता पार्टी की बात को माना, समझा और पूरे देश को एक ये पूरे देश को एक ज्योति जलाई कि भारतीय जनता पार्टी सुशासित है, राष्ट्र धर्म का निर्वाह करती है और जनता को सुशासन देने में समर्थ है। तभी तो लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी है। एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है, जो पिछले 2 साल में 2 बार के जो चुनाव हुए 10 साल के बाद तीसरी बार हमें सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं 48। तीसरी बार के अंदर हमारे को जो पिछली बार से 3.5% के करीब करीब वोट
का जो प्रतिशत है वो भी हमारा बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बड़ा है, जो इस बात को समझाता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ये प्रो इनकम्बेंसी थी। लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताना, उस सुशासन को चाहते हैं, ये कांग्रेस समझ में सामान में असमर्थ रही। वहां पर राहुल गांधी फैक्ट्रियों से जलेबी बनाते रहे और शैलजा ज्योति और हुड्डा साहब और एक तीसरे सुरजेवाला साहब वो आपस में गद्दी के लिए लड़ते रहे कि मैं बैठूं और एक दूसरे को पांव खींचते रहे। तो ये तो बीजेपी की जीत का कारण था। तीन ऐसे कारण बताइए कि कांग्रेस के हार के क्या कारण थे, कांग्रेस क्यों हारी अपने घर के? कांग्रेस की पूरी हवा बनाई जा रही थी, आप भी देख रहे थे, पूरा मीडिया हर तरीके के सर्वे सबने ये कह दिया था भाजपा बाहर हो गई और अब मोदी को कोई वोट नहीं डालेगा, मोदी फ्लॉप शो है और हरियाणा मोदी के हाथ से गया। फिर आखिर ऐसा पलटा कैसे हुआ कि कांग्रेस के क्या फेलियर्स थे? कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी बात, कांग्रेस हमसे जो चुनाव है वो ट्विटर पे लड़ना जानती है, उसके पास मीडिया का एक वर्ग है जो मोदी जी से नफरत करता है, भारतीय जनता पार्टी से नफरत करता है, भारत देश से नफरत करता है और भारत की जनताओं से नफरत करता है। उसका जो एक बुरा समूह है, वो जो समूह है ना, वो हमेशा जो है वो कांग्रेस को जिताता है, वो कांग्रेस के लिए बड़े बड़े वायदे करता है। एक मैं चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, उस चैनल के ऊपर जब सवेरे इलेक्शन की काउंटिंग स्टार्ट हुई सवेरे 8 बजे, तो जो पीछे है वो फोटो जो है उनकी लगी हुई थी राहुल गांधी की, जैसे ही इलेक्शन 9:30 बजे तक चलता रहा राहुल गांधी की फोटो लगी रही। जब 9:30-10 बजे और गेम पलटा तो उन्होंने फोटो हटाकर राहुल गांधी की और खड़गे साहब की फोटो लगा दी एक अंग्रेजी चैनल में, आपने नेशनल चैनल के ऊपर जो हमेशा कांग्रेस के लिए तरफदारी करते हैं, ये उसने सबके सामने किया। तो वो जो समूह है वो इतनी छोटी छोटी बात की चिंता करता है कि राहुल गांधी को हमें कैसे बचा के रखना है, हमें कैसे खेलना है। तो वो जो समूह है वो समूह ही इन्हें जिता रहा था, आज उस समूह का कहीं पता नहीं है, ये तो एक कारण। दूसरा, कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ा शैलजा कुमारी शैलजा दलितों की जो नेता थी वहां पर सुरजेवाला साहब और हुड्डा साहब, इन तीनों की आपसी खींचतान, इनमें आपस में कोई तीनों में सामंजस्य नहीं था। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है इनके हारने का कि कांग्रेस के पास संगठन नाम की चीज नहीं है। इस जब भी इस तरीके का चुनाव होता है जहां कांटे की टक्कर होती है, हमेशा वो पार्टी जीतती है जो समर्पित होती है, संगठित होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसमें एज है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसके पास संगठन है, उनके पास पन्ना प्रमुख है, उनके पास त्रिदेव है, उनके पास शक्ति केंद्र प्रमुख है, उनके पास प्रभारी है, उनके पास एक व्यक्ति नहीं ऐसा है जो ये कहता है मैं बनूंगा, वो कहता है जो पार्टी बनाएगी हम पार्टी के साथ रहेंगे, बनना हम भी चाहते हैं लेकिन हम पार्टी का आदेश मानेंगे, वहां पर ऐसी कोई खींचतान नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, और ये तीन मुझे लगता है मुख्य कारण रहे कांग्रेस की नाकामी। आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस सचमुच शुरू में अच्छा कर रही थी फिर अचानक ये सेटबैक हुआ है? नहीं, ये अचानक नहीं हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया, एक शगुफा होता है, एक बैलून में हवा भर दी जाती है और उस बैलून को चारों तरफ घुमाया जाता है। तो कांग्रेस के कुछ इस तरीके से वहां ट्विटर पर बैठकर एक तरीके का एक वैक्यूम में एक हवा में एक प्रेशर बनाया जाता है, जीत गए जी, राहुल गांधी आ गए जी, राहुल गांधी ये कर गए। अरे भाई, राहुल गांधी पूरी हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा के चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर घूम रहे थे, लेकिन हरियाणा के अंदर उन्होंने एक बार एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दिखाई क्या? आप बताइए, आपको नहीं लगता कि देश में अभी भी न्यूज क्लिक जैसी एजेंसी कोई काम कर रही है? नहीं, अभी भी वो तो पूरा समूह है जिसे अर्बन नक्सल कहते हैं, जिन्हें एक शायद नाम लेना ठीक है या नहीं, जो सो है फॉरेन का जो नाम उसका जॉर्ज सॉरेब, उसका जो पूरा गैंग है जिसने करोड़ों रुपया रखा हुआ है भारत को विघटन करने के लिए, भारत को टुकड़ों करने के लिए, उन सब गरीब लोगों का काम है और उससे सिवा कुछ नहीं करता। आप हरियाणा के अंदर किसी भी राष्ट्रपति व्यक्ति से पूछ लो, किसी भी जनता से पूछ लो, हरियाणा की जनता से, उन सबका एक ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिया, बिल्कुल दिया। मैंने पहले भी अभी आपको बोलते बोलते बताया कि हो सकता है कुछ कमी बेशी रह गई हो, वो इस बार में पूरी कर दी जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के लोगों को नफरत नहीं थी, उन्हें मनमुटाव हो सकता था लेकिन कांग्रेस के प्रति किसी का प्यार नहीं था। अगर कांग्रेस के प्रति प्यार होता तो जो हमें 40% वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से 3.5% ज्यादा, तो अगर लोगों को नफरत होती जनता को तो सरकार को हटाने के लिए वोट डालती, जब सरकार को बढ़ाने के लिए, सरकार को तीसरी बार लाने के लिए वोट डाल रही है, वोट प्रतिशत बढ़ा रही है, तो इसका मतलब है कि हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी से प्रेम करती है, व्यवहार करती है और अपने ही लोगों से कुछ नाराज थी, इस लोकसभा में 5 सीटें दे दी
और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी गलती मानी और जनता ने भी मानी, अब दोनों ने मिलकर साथ दिया और 40% से ज्यादा वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यानी कि हम आपको बार बार ये बात बताते रहे कि बीजेपी के साथ अगर एक ही कमी थी वो थी 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी। इसके अलावा जो कांग्रेस थी, कांग्रेस केवल मीडिया के अंदर, जो आपने न्यूज क्लिक जैसी एजेंसी देखी होगी, यहाँ पर पकड़े गए थे काफी लोग, वो अभी भी बड़े पैमाने पर काम कर रही थी और उन्हीं का काम था कि वो कांग्रेस की और राहुल गांधी की हवा बनाने में जुटी हुई थी। लेकिन धरातल पे हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से बहुत ज्यादा खुश थी। यही कारण था कि जो वोट प्रतिशत है भाजपा का पिछली बार की अपेक्षा इस बार बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो आपने देखा होगा हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ ने किस तरीके से सारी बातें हरियाणा चुनाव को लेकर, भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार को लेकर बताई। जरूर आप इसमें सोचिएगा क्योंकि हम लगातार आपको ये सब बताते रहेंगे। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।